वाह वाह, इसी जोश और इसी जज्बे के साथ हर बाज़मीर, हर बाज़मीर जो मुरीदे पीर नसीर है, जो मुरीदे पीर नसीर है, बल्कि मैं कहूं वही बाज़मीर है, वही बाज़मीर है जो मुरीदे पीर नसीर है, इसी जोश इसी जज्बे के साथ दावते खुतबाए सदारत दे रहा हूं जानशीने हजूर नसीरे मिल्लत हजरत किबला पीर सैयद गुलाम निजामुद्दीन जामी जिलानी। हक नसीर, हक नसीर, हक नसीर, हक नसीर, हक नसीर। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف با آواز بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مبارك وسلم। हाजरीन मजलिस, आज की ये पुरवकार तकरीब, पुरबहार तकरीब, हुजूर खत्मी मर्तबत ताजदार मदीना के तहफ़ुज़े खत्म नबूवत के उन्वान से मौसूम मानून है। इस तहफ़ुज़े खत्म नबूवत की तकरीब में जिसने जिस अंदाज में शिरकत की, तशरीफ़ लाए, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्लाह तबारक व ताला हमें हुजूर खत्मी मर्तबत की खत्म नबूवत के अकीदे पर ज़िंदा रखे और इसी अकीदे पर हमें मौत दे। चूँकि अब नमाज मगरिब भी करीब है, मैं कुछ चीज़ें आपके सामने पेश करूँगा। लंबी गुफ्तगू का वक्त नहीं। जो मशाइख तशरीफ़ लाए, बिलखसूस मुतवल्ली साहब अजमेर शरीफ, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पाक पतन शरीफ से जो साहबजादगान तशरीफ़ लाए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बिलखसूस शेख फाजिल से तशरीफ़ लाने वाले मुतय्यब चिश्ती साहब का मैं अज हद मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने वालिद गिरामी की जगह पर यहाँ तशरीफ़ लाए। हाज़रीन मजलिस, कुछ चीज़ें आपके गोश गुजार करूँगा, आपने उन पर गौर भी करना है और यहाँ से जाते वक्त उन चीज़ों को अपने दिमाग में महफूज रख के ले जाना है। सबसे पहले, इस दरबार शिव से हमेशा जो आवाज़ उठी वो इत्तेहाद की आवाज़ उठी है, इत्तेहादे अहले सुन्नत की आवाज। अहले सुन्नत के जितने धड़े भी हैं हम उनको अहले सुन्नत ही शुमार करते हैं, लेकिन जो धड़े अहले सुन्नत के हैं नासबियों के नहीं। नासबियों का धड़ा इलैदा धड़ा है, वो सुन्नी नहीं। वैसे मैंने पहले भी इसी कॉन्फ्रेंस के मौके पर अपने मेहरवी और गोलड़वी ताल्लुक वालों को बताया था कि हम सुन्नी हनफी हैं, सुन्नी हनफी, मशरबन कादरी चिश्ती निजामी, और मसलकन सुन्नी हनफी। अगर इसके बाद हमें अपना तारुफ करवाना पड़े तो हम कहते हैं कि हम गोलड़वी मेहरवी हैं, गोलड़वी मेहरवी। लेकिन यह तारुफ गोलड़ा शरीफ के ताल्लुक वालों का है, यह तारुफ
गोलड़ा शरीफ के ताल्लुक वालों का है, वरना अहले सुन्नत के तमाम मराकज, तमाम दरगाहें वो अपनी अपनी जगह पे सुन्नियत का एक मुकम्मल तारुफ है। हम हर दरगाह की इज्जत करते हैं और अपनी किसी किस्म की इजारादारी कायम नहीं करना चाहते। जो सुन्नियत गोलड़े की है, पीर मेर अली शाह साहब की है, उस सुन्नियत को हम सुन्नियत समझते हैं। जो हजरत आला सियालवी की सुन्नियत थी, वो सुन्नियत हमारी सर आंखों पर है। जो इसी तरह सिलसिला ब सिलसिला सुन्नियत चलती हुई अजमेर शरीफ तक जाती है, वो सुन्नियत हमारे सर आंखों पर। और वो सुन्नियत हर चंद कि हम अपने आप को बरेलवी नहीं कहते, हर चंद कि हम अपने आप को बरेलवी नहीं कहते, लेकिन वो सुन्नियत जो मौलाना अहमद रजा खान फाजले बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हो की सुन्नियत है, उस गुजूर कादरी की सुन्नियत है, हम उस सुन्नियत को मानते भी हैं और अपने सर आंखों में भी रखते हैं। वो सुन्नियत जो मौलाना सरदार अहमद साहब की सुन्नियत है, उनके जानशीन यहां तशरीफ फरमा है, ये सुन्नियत तो असल सुन्नियत है। इस सुन्नियत की कदर करते हैं। मेरा अपना एक शेर है कि हर सुन्नी दे दिल दी धड़कन, हर सुन्नी दे दिल दी धड़कन, सब विचू ओला आला, हर सुन्नी दे दिल दी धड़कन, सब विच ओला आला, कादरिया विच चौदवी दा चन, कादरिया विच चौदवी दा चन रजा बरेली वाला, कादरिया वे चौदवी दा चन रजा बरेली वाला। क्यों के आला हजरत अजीमुल बरकत आकाए नेमत अशाह अहमद रजा खां फाजले बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हो, आंखों सारे रदियल्लाहु ताला अन्हो, वो गुयूर कादरी है कि जिसने गौस पाक के दरवाजे से हटकर और कोई दरवाजा नहीं देखा। उस कादरी दूल्हा की सुन्नियत हम बसरो चश्म कबूल करते हैं और उसके साथ जो मंसूब हो उसे भी सुन्नी मानते हैं, लेकिन वो कादरी जो आले रसूल का गुलाम था, जिसने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में क्या कहा कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आला हजरत का आप कलाम पढ़ें हदाय की बख्शिश में, किस तरीके से ने उन्होंने हुजूर माई साहबा की हजरत सैयदा फातिमा तुज़हरा की खिदमत में खिराज अकीदत पेश किया है। ये जो सुन्नियत है ना, ये सुन्नियत है। और आजकल की नाम निहाद खाना आजाद सुन्नियत जो हमें या और मशाइख को या उनके मानने वालों को सुन्नियत के जाली सर्टिफिकेट देती फिरे, जो ये कहे कि जिसे सर्टिफिकेट सुन्नियत का मैं दूंगा सुन्नी वो होगा, ओए तू अपनी बूथी वेख, अपनी बूथी वेख, और तेरी इतनी बूथी है कि तू असावा सुन्नियत का सर्टिफिकेट दे, में अपनी बूथी वेख, पहले अपने मदरसे में पढ़ने वाले जेडे तालिब इलम है उन्होंने मदे सर्टिफिकेट है, तेने मदरसे तू पार तेरी शक्ल ही नहीं, तू तो ना अकल है ना तेरी शक्ल है, तू क्या किसी सर्टिफिकेट दे से, तेने वड़े भी नहीं जमे असा सर्टिफिकेट देने वाले। हाँ, और अगली बात, आज से पहले 120 साल पहले हमारा और आपका दुश्मन, नॉमिनेटेड दुश्मन, बल्कि हमारा क्या दुश्मन, हमारे नबी का दुश्मन, 120 साल पहले
मुतायन हो चुका। हमने उस दुश्मन का मुकाबला करना है। हम तो एक दूसरे के दुश्मन हो गए, हम तो एक दूसरे के दुश्मन हो गए। कोई अहले बैते अतहार की आड़ में अपने दिल का बुग्ज निकाल रहा है सहाबा के हवाले से, और कोई सहाबा की आड़ में अपने दिल का बुग्ज निकाल रहा है। सहाबा और अहले बैत, ये दोनों हमारे सर आंखों पर, ये उस दौर में भी एक दूसरे के मुकाबले पे नहीं आए, तो अब कौन इन्हें ला सकता है एक दूसरे के मुकाबले। हम इन दोनों के गुलाम हैं। और जिस तरह इसी मजलिस में जामिया रिजविया जियाउल उलूम के फाजिल हनीफ कुरैशी ने इंतहाई खूबसूरत अंदाज में हुजूर माई साहबा की खिदमत में खिराज अकीदत पेश किया, मैं उसे खिराज तहसीन पेश करता हूं। इसने सादात की जाए पना, सादात की जाए पना की शान के तहफ्फुज़ के लिए जो जो अल्फाज, जो जो हर्फ मुंह से निकाले हैं, मैं उन पर सदके, मैं उन पे वारी। ये हनीफ कुरैशी, बेशक मुझे मिलता कम है, मुझे दिखता कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जहां जहां भी होता है मेरी नजर में होता है। अंजुमन मेहरिया नसीरिया, आप भी सुन लें, आप अपने प्रोग्राम्स में अगर बुलाना चाहें किसी आलमे दीन को तो इसको बुलाएं। ये जियाउल उलूम, ये जियाउल उलूम बात की बात है, जियाउल उलूम, जियाए उलूम अली, ये जो रिजविया जियाउल उलूम है, ये जियाए उलूम अली का दरवाजा है, जियाए उलूम गौसे जली का दरवाजा है, जियाए उलूम मेहर अली का दरवाजा है। ये जियाउल उलूम सिर्फ इनका ना नहीं है, ये हमारा अपना जियाउल उलूम है। और जहां तक आपके लिए एक और पैगाम भी है कि आप सुन्नियत के धड़ों में आपने बटना नहीं है, अपने सिराते मुस्तकीम से हटना नहीं। एक सिराते मुस्तकीम और भी है, ये वो सिराते मुस्तकीम नहीं, वो मुस्तकीम नहीं है। सिराते मुस्तकीम ये है जिस पे सवाद आजम है, जो अहले सुन्नत का सवाद आजम जहां खड़ा हुआ है, सिराते मुस्तकीम वो है, वो सिराते मुस्तकीम नाम का सिराते मुस्तकीम है, ये सिराते मुस्तकीम है। आपने इस सिराते मुस्तकीम पे सवाद आजम में शामिल रहना है और सुन्नियत को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। और सादात के लिए भी पैगाम है, ये तो सुनियों के लिए भी पैगाम है ना, सादात के लिए भी पैगाम है। ये जीवन शाह वाले सादात बैठे हैं, मेरा बादशी वाले सादात बैठे हैं, इसके अलावा भी जो जो सादात बैठे हैं, उन सब के लिए एक पैगाम है कि सादात आप होश में आ जाएं, अपनी आंखें खोलें, अपनी आंखें खोलें, इससे पहले कि मैं मुंह खोलूं आप अपनी आंखें खोलें, आप अपनी आंखें खोलें और नासकियों को अपने से दूर करें। जो आपकी इज्जत नहीं पहचान सकता, जो मखदूमा कायनात की इज्जत नहीं पहचान सकता, वो आपकी चादरों में हो मेरा वाशिफ, वो आपकी चादरों में हो, वो आपके करीब हो, आप उसे दूर करें। और सादात हमेशा इस चीज को मद्देनजर रखें कि हर वो आलमे दीन जिसका ताल्लुक किसी दज्जाली से हो, किसी दज्जाली से हो, आप उसे अपने किसी महफिल में ना बुलाएं। वो आपको उस मखदूमा कायनात की बारगाह से रद्द करवा देगा। आप अपनी तवज्जोहात मखदूमा कायनात की तरफ रखें, वो ये ना हो कि वो आपको उस बारगाह से रद्द करा दे। आप इकट्ठे हो जाएं, ये सादात के लिए लम्हे फिक्रिया है, इनके इन गुस्ताखों के हाथ मखदूमा कायनात की चादर तक पहुंच गए हैं। हमने मखदूमा कायनात की चादर का तहफ्फुज़ करना है।
और इस तहफ्फुज़ के लिए अगर हमें अपनी जानें देनी पड़े जाने भी देंगे, किसी चीज से किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। आप इस चीज में क्या ये इस वादे का इरादा करते हैं? मखदूमा कायनात की इज्जत पे सब कुछ कुर्बान, सब कुछ कुर्बान। हम मखदूमा कायनात की इज्जत के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, आखिरी हद तक जाएंगे किसी सूरत भी। और इससे हटकर अब हुकूमत के लिए भी एक पैगाम है कि फौज की आला क्यादत के लिए भी एक पैगाम है कि ऐसी फौज में कलीदी सीटें जिन पे कादियानी बैठे हुए हैं, आप उन कादियानियों को उन सीटों से हटाएं फौरन, आप उन कादियानियों को उन सीटों से हटाएं। कोई भी कादियानी पाकिस्तान के आईन के मुताबिक भी ऐसी किसी सीट पर नहीं बैठ सकता। आप मेरे इस मुतालबे की हिमायत करते हैं? भरपूर अंदाज में हम इसकी तायद भी करते हैं, इसकी हिमायत भी करते हैं कि हर वो कादियानी जो किसी ऐसी सीट पर बैठा है उसे फौरन वहां से उतारा जाए। और इसके हटके, इसके अलावा कि हम आपस में अहले सुन्नत के इतिहाद के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, ये उलमा, ये मशायख जो यहां तशरीफ फरमा हैं, मैं इन्हें फिर भी इरादा करूंगा। इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि साफ सुथरी सुन्नियत को इकट्ठा कर दिया जाए, साफ सुथरी सुन्नियत को इकट्ठा किया जाए और उस सुन्नियत को आप के सामने पेश किया जाए कि यह सुन्नियत है। इसमें साहबजादा हामिद रजा साहब भी, मेरे मुझे यकीन है ये तआवुन फरमाएंगे और इनके अपने धड़े में भी, इनके अपने धड़े में भी ये अलामा रियाजुद्दीन साहब, ये हमारे अपने सारे ताल्लुक वाले उलमा बैठे हैं, ये सब इस बात की ताईद करेंगे कि अहले सुन्नत को हम मजीद किसी और धड़े बंदी में मुनकसिम नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला। और ये पीर मेहरली शाह साहब का आस्ताना वो है कि पीर मेहरली शाह साहब की जाते वाला सिफात में बयक वक्त हमें अली का जलाल भी नजर आता है, गौसे पाक का इल्मी कमाल भी नजर आता है। इनमें बहुत सारे जलवे हैं। मैं अगर यह कहूं कि पाकिस्तान में बगदाद शरीफ का कायम मकाम अगर कोई शहर है तो वो गोलड़ा है, तो ये गलत नहीं होगा। मेरा अपना ही शेर है, अभी भी ये इन्होंने पढ़ा था, वाह वाह आई विरासत प्यो दी, वाह वाह आई विरासत प्यो दी इस पुत्र दे हिस्से। तबारक ताला हमें इन्हीं के अकायद पर, इन्हीं के नजरियात पर ईमान की सलामती के साथ जिंदा रखे और ईमान की सलामती के साथ हमारी मौत हो। अब आपने अपने सीने का
जितना जोर है वो जोर लगाना है और मेरे साथ मिलकर नारा लगाना है, ताजदारे खत्मे नबूवत, सीने का सारा जोर, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, नारे हैदरी। ओए अली वालियों, ओए लाहौर तक दे आवाज मिंजे ना, नारे हैदरी, नारे हैदरी।